हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आस्था और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं वो है चिया सीड पुडिंग की रेसिपी। जब हम वेट लूज कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी हमारा मीठा खाने का मन होता है या फिर डेजर्ट खाने का मन होता है, तो हाँ मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँ जो कि यम्मी भी हो और डेजर्ट भी लगे और आपका वेट लूज भी आसानी से हो जाए। तो हम खाएंगे चिया सीड पुडिंग। ये बहुत ही ज़्यादा क्विकली बन जाता है विदिन 5 मिनट्स। और अगर आप कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग या फिर ऑफिस गोइंग है तो आप इसे आसानी से रात को भी स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में ले सकते हैं और ये आपको पूरा दिन फुल रखेगा। चिया सीड सुपर फूड है वेट लूज के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है फाइबर का, कैल्शियम का, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं इसमें, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ये प्रोटीन रिच फूड है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है वेट लूज में। और अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपका पेट साफ होना चाहिए। अगर आपका पेट साफ होगा तो आपका वेट लूज भी अच्छा होगा और बहुत ही ज़्यादा क्विकली हो जाएगा। जो चिया सीड्स होते हैं वो फाइबर रिच होते हैं। जो फाइबर रिच फूड होता है वो हमें हेल्प करता है हमारे सिस्टम को क्लीन करने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वेट लूज में। और दूसरा, ये आपको बहुत देर तक फुल रखता है। अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं इसे तो ये लंच तक आपको बिल्कुल भूख नहीं लगने देगा और आप लंच में लेते हैं तो रात तक आपको बिल्कुल फुल रखेगा। आइए तो फिर चले बनाएं चिया सीड पुडिंग। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 टेबलस्पून ऑफ चिया सीड, हाफ ग्लास ऑफ मिल्क। हम इसमें हाफ ग्लास मिल्क ऐड करेंगे, उसमें 3 टेबलस्पून चिया सीड डालेंगे। इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे हम और इसे फिर ओवरनाइट के लिए स्टोर करेंगे। ये देखिए हमारे चिया सीड्स जो हैं वो सोक हो चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ओवरनाइट सोक चिया सीड्स, 1 कटा हुआ केला, आधा कटा हुआ आम, थोड़ा सा कटा हुआ पपीता और थोड़ा सा अनार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाना की लेयर डालेंगे और उसके बाद हम चिया सीड्स की लेयर डालेंगे। उसके बाद हम मैंगो की लेयर लगाएंगे, उसी के ऊपर दोबारा से चिया सीड्स की लेयर लगाएंगे। फिर हम पपीता ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम चिया सीड की लेयर लगाएंगे। अब हम अपने चिया सीड पुडिंग को गार्निश करेंगे अनार के साथ और कुछ ड्राई फ्रूट के साथ। और हमें इसमें बिल्कुल भी मीठा या शुगर या मैपल सिरप या फिर हनी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्रूट्स के चिया सीड पुडिंग है तो ये ऑलरेडी ही मीठी होगी। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए और मुझे बताइएगा भी ये आपको मीठी लगी बिना हनी या फिर शुगर या फिर मैपल सिरप के। पुडिंग रेडी हो गई है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? आई एम श्योर आपको अच्छी ही लगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। गर्मियों का मौसम है, कुछ ठंडा या फिर कुछ मीठा खाने का मन करे तो प्लीज़ आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अपना ब्रेकफास्ट या फिर लंच को स्किप करके इस चिया सीड पुडिंग को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और ये आपको बहुत ही अच्छा वेट लूज भी देगा। प्लीज़ आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय फॉर नाउ गाइस।